लोकसभा 2019 चुनाव शुरू हो चुका है और बड़ी ही गहमा गहमी चालू है। हर कोई ये जानना चाहता है कि अब क्या होगा, अपनी अपनी पार्टी के अंदर क्या नीति अपनाई जाएंगी लोग खरीद करने के लिए। यही जानने के लिए हम शाहबाजार के वार्ड नंबर 40 के साबिका कार्पोरेटर जनाब मीर हिदायत अली साहब के पास आए हैं। ये बहुत ही पुराने कार्यकर्ता है कांग्रेस के, ये गठनेता भी रह चुके हैं महानगर पालिका में कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं और यहाँ पे लोग इनको बहुत सराहते हैं, ये एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि कांग्रेस की आगे क्या नीति है और इनका क्या प्लान है। सर, अभी लोकसभा 2019 के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इसके अंदर जो है तो आपकी जो जंग है वो किससे? नहीं, इसमें कैसा है, अभी शहर के अंदर जो है शिवसेना और कांग्रेस ये दोनों में जो है तो यहाँ पे फाइट है। अभी उसमें ऐसा चल रहा है क्योंकि यहाँ के हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, यूथ के कार्यकर्ता है, बहुत सारे लोग जो है कभी भी शहर में कुछ नहीं, तो मैं आपके माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है अभी पूरा ग्रामीण कवर कर रहे हो, गंगापुर, उसके बाद वैजापुर, कन्नड़, तकरीबन पूरे गांव जो है बाहर ग्रामीण का कवर कर रहे। 16 तारीख से शहर के अंदर जो है कांग्रेस का बहुत स्पीड से काम चालू होने वाला है और इंशाल्लाह यानी अब की बात कांग्रेस की जो है यहाँ पे पहली बार ऐसा होगा कि जो 20 सालों के बाद जो है यहाँ पे यानी ये नाल जो ठोकी हुई है ये नाल उखाड़ के फेंका जाएगी कांग्रेस की तरफ से इंशाल्लाह। और सर, हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को नज़दीक करने के लिए अभी क्या प्लान बनाया है, इनको समझाने के लिए आप मतलब ऐसा नियोजन क्या बनाया, क्या नीति है कांग्रेस के पास? नहीं, अभी कैसा है यहाँ पे हमारे जो नेता है राहुल गांधी जी, अभी उनकी सभा है यहाँ पे और उनकी सभा के बाद यहाँ पे प्रियंका गांधी का जो है रोड शो है, उसके बाद अपना गुलाम नबी आज़ाद की सभा है, यानी ऐसे बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं का जो है यहाँ पे आगमन रहेगा, ये लोग पूरे आने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं की जो नज़दीक करने की बात है तो कार्यकर्ता भी पूरे नज़दीक है, इतना ही कि अभी पूरे बिखरे हुए हैं, लेकिन 16 तारीख से जो है हमारी पूरी हमें एक जो बोलते कि भाई यानी पूरा एक टीम वर्क का काम जो है 16 तारीख से यहाँ पे चालू हो जाएगा, जिसको उसकी उसकी जवाबदारी दी जाएगी, हर आदमी को जो है बिल्कुल उसको यानी दे दिया जाएगा कि भाई आपको इतना एरिया संभालना है, आपको इतनी गली संभालना है, यानी तकरीबन पूरे कार्यकर्ताओं को लेके उनको विश्वास में लेके उनसे बातचीत करके उनको पूरा सब जवाबदारी दी जाएगी। तो सर, दो दिन पहले अभी गांधी भवन में एक इमरजेंसी के तहत एक मीटिंग ली गई थी जो यूथ कांग्रेस के माध्यम से ली गई, उसके अंदर सुभाष जामवड़ को वहाँ के जो पदाधिकारी थे उन्होंने नाराजगी जताई कि हमें सम्मान नहीं मिला है कि हम 5 साल तक रोड पे होते हैं, फादर पार्टी हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो सर, ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? क्योंकि सर, यूथ कांग्रेस के अंदर ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं, तो शायद इस वजह से। नहीं, ऐसा तो कैसा है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर समाज को लेकर चलती है और पूरी सेकुलर जो है जितने भी जो यानी कोई भी समाज हो वो एक सेकुलर पार्टी के साथ में, ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम समाज का बोल रहे हैं, आप हर समाज कांग्रेस के साथ में रहेगा। और आप जो बोल रहे नाराजगी का, तो इसके अंदर मैं आपको बताया हूँ कि अभी कैसा है, समझो जितने जो लोग हैं जो बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं ये पूरे बाहर के दौरे के ऊपर है, तो अभी हो सकता है जो हमारे जो यूथ के जो नेता है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है बहुत ज़माने से कांग्रेस का काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे को पूछ रहे नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 16 तारीख से जो है इनको सबको जवाबदारी दी जाएगी, इनको सब पूरा यानी बाधा एक ऐसा मार्किंग करेंगे कि भाई आपने यहाँ से यहाँ तक आपको काम करना है, इतना काम करके आपको उसका रिजल्ट देना है और वो इंशाल्लाह उसके अंदर बिल्कुल यानी कामयाब होंगे। ऐसा नहीं कि कोई कार्यकर्ता नाराज़ होगा, कोई यूथ का नेता नाराज़ नहीं होगा। 16 तारीख से हम बिल्कुल अभी कल से समझो हमारा जो एक 12 लोगों की कमेटी बनाएंगे, कोर कमेटी, इसमें शाकंज के ब्लॉक अध्यक्ष रमजानी भाई, हमारे शहर अध्यक्ष है, इन्होंने एक कमेटी बनाई कोर कमेटी। तो ये कोर कमेटी का ये काम है कि अभी हमको कल से जो है यानी जो हम आज़ाद चौक से निकलेंगे तो बेगमपुरे तक ये हमको जवाबदारी दी गई, इसमें हम हर कॉर्नर मीटिंग्स, हर वार्ड का यूथ का कार्यकर्ता जो सीनियर फादर वाली लोग जो है जिम्मेदार हमारे उनको सबको लेके आए, उनको जो है काम कॉर्नर मीटिंग जो लेके हम
उसमें हम सबको साथ में लेके कल से हमारा ये काम चालू हो जाएगा। और जो बड़े बड़े नेता है हमारे, जो अभी लोकसभा के जो उम्मीदवार है सफर सुभाष जामाड़ साहब, ये भी उसमें शिरकत करेंगे और ये 16 तारीख से करेंगे। और हमारी जो जवाबदारी दी गई, हम ये पूरा यानी तैयार करेंगे, उसमें हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे, उसमें जो है मार्गदर्शन करेंगे कार्यकर्ताओं को, और उसके साथ जो है हमारी हर एरिया वाइज बैठक होगी। बहुत अच्छा लगा ये हितेंद्र जी से बात करके। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस आगे चल के क्या नीति अपनाती है कि जिसकी वजह से लोग उसके करीब हों, लोगों की नाराजगी दूर हो, और आगे क्या होता है देखते हैं। कैमरा मैन जावेद नजीर के साथ जर्नलिस्ट अगस्त खादरी, MCM समाचार, आम।